चंद लम्हों की रफाकत अब संपत है कि फिर चंद लम्हों में ये चरण कर जाएगा। अपनी यादों को समेटने के आज छड़ने वाले, अपनी यादों को समेटने के आज छड़ने वाले, निर्दय से मालूम खून के दागे पर मैं पैसा प्यास दावत देना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم। محترم چیئرمین عمران مینیجنگ باڈی اعزاز کرام عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। असल में मुझे यहाँ आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए आना होता है लास्ट में, क्योंकि मौका है इसलिए मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सोच रहा हूँ कि जाते जाते इन बच्चों को कुछ पैगाम भी दे डाले। सुबह ही सोच रहा था मैं कि आज हमारे मदरसे से एक दसवीं जमात के तलबा व तालिबात बज़ाहिर रुखसत हो रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ पैगाम उन तक पहुंचना चाहिए इस खास मौके पर। इस सिलसिले में मैंने कुरान करीम की एक आयत जो है आपके सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को मुखातिब होकर इस तरह से फरमाता है कि जैसे एक अपने करीबी, बहुत ही करीबी, जिसको आप कहते हैं ना बिल्कुल अपना, इस आयत में अपने बंदों को अल्लाह ताला अन्नास मोमिन या और इस किस्म के जो अलकाब है इससे नहीं पुकारता है, बल्कि यहाँ इबादी 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 के नाम से यहाँ पर इनको पुकारा जाता है, मेरे बंदों मेरे मेरे बंदो। उलमाए किराम फरमाते हैं इस आयत के बारे में सबसे ज्यादा जो हौसला अफजा आयत कुरान में पाई जाती है वो ये कुरान करीम की आयत है। इस कुरान करीम की आयत में अल्लाह ताला अपने हबीब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि कुल ए टाठी नबी फरमाइए, कुल फरमाइए मेरे वो बंदे मेरे वो बंदे, उन बंदों को फरमाए जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की यानी जुल्म किया, गुनाह किए, किसको फजूर के शिकार हुए, तबाहियां लाई अपनी जिंदगी के लिए, मेरे उन बंदों मेरे बंदों वो बंदे जिन्होंने ज्यादती की उनसे कहा गया ला तकरब, गुनाह होने के बावजूद इतने मायूस ना हो, आप मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो अल्लाह की रहमत से, इन्हें आओ इतने गुनाह करने के बाद आप आए मेरे पास, आओ मेरी रहमत से आप मायूस। इस आयत में जो असलूब इख्तियार हुआ है खिताब का, इन्हें अपनू ऐसी कोई जनरल यहां बात नहीं कही गई है, जनरल लोग यहां मुखातिब नहीं है, वो बंदे मेरे वो लोग यानी मेरे वो बंदे जिनसे गलतियां जिनसे खता हुए हैं मेरी रहमत से आप मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो, आ जाओ बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, इन्नहु हुवल गफूर रहीम वो मेहरबान है। ये मैंने तमहीदी तौर आज की जो नसीहत मैं असल में आप तक पहुंचाना चाहता हूं या वो पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, ये नसीहत मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उसके लिए एक तमहीदी जो यहाँ पर कलिमात मैंने कुरान करीम से यहाँ लिए और आपके लिए वो कहे। इस आयत के बारे में अगर ये इसका शाले नज़ुल अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, ये उन मुशरिकों के लिए है जो बहुत गुनाह करके आए थे, या वो मुसलमान जब अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनते हैं तो एक बार वो उनके खिदमत में हाजिर होते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु आप ठीक फरमा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें फरमा रहे हैं, बहुत ठीक ठाक है, लेकिन हम क्या करें,
इनको अपनी उनके वो जो किए हुए काम थे उस पर नजर पड़ती थी। अब अगर हम आते हैं इस्लाम के दायरे में तो हमने जो काम किए हैं या हमसे जो गलतियां हुई है उनका क्या होगा। असल में यह आयत इस पस मंजर में नाजिल हुई है, लेकिन उमूमी तौर उलमा इकराम फरमाते हैं कि यह हर एक चीज के लिए जो है, हर एक जो अहवाल है आपकी जिंदगी के, हर हाल में आप इसको अपने लिए मशाल राह बना सकते हैं, यानी उम्मीद का दामन आप नहीं छोड़ेंगे, मायूस आप नहीं होंगे अल्लाह की रहमत से। अल्लाह के जो अल्लाह का दरबार जो है वो बहुत बड़ा दरबार है, इससे आप मायूस नहीं होंगे। इसी हवाले से एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला करमल्लाहु ताला वजह से लोगों ने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन सबसे बड़ा गुनाह क्या है। इस पस मंजर में आपको मैं वो दो बातें बताना चाहूंगा जो आज के लिए आपका मेरी तरफ से पैगाम होगा। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला उनसे पूछा गया कि कबीरा गुनाह क्या है, बहुत बड़ा। कबीरा सगीरा आप जानते हैं, बड़ा गुनाह कौन सा है, बड़ा गुनाह कौन सा है। तो आप रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से बेखौफ होना। बाज़ोकात से गसान बेखौफ, अल्लाह ताला के पास खुफिया तदबीरें होती हैं, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए, जिसका आपको कुछ पता है, जिसका हमको कुछ पता नहीं, लेकिन अल्लाह के पास एक प्लान है हमारे लिए, हम उससे बेखौफ होते हैं। गछान लो गछान मैं सही क्या गछा, इससे बेखौफ होना, अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ होना, एक तो ये कबीरा गुनाह है और उसकी रहमत से मायूस। इस आयत के पस मंजर में आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि एक तो अल्लाह की उस बेखौफ तदबीर, बस अपनी मत चलाइए, सिर्फ अपनी मत चलाइए, मे तगान तो बेचुन तगान कैसे, बस बुई योत करन वो पन्नस बलबोत पे बन डॉक्टर, पन्नस बलबोत बन बन इंजीनियर, पन्नस बलबोत पे कर ये तो पन्नस बलबोत पे। अब अगर खुदा के खुदा ने खास्ता आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कोई मुकाम आ जाता है, आप फेल हो जाते हो, आप मायूस हो जाते हो, नाकाम हो जाते हो, तो उसके बाद आप मायूस हो जाते हो, ये भी बड़ा है। एक तो खुदा के उस खुफिया उन तदाबीर से आप ना आशना हो जाते हो, बेनियाज हो जाते हो, वो भी नहीं होना। और अगर खुदा ना खास्ता जिंदगी में ऐसा कोई मसला आ गया, नाकामी आ गई, मायूसी हो गई, तो उस वक्त अल्लाह का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दो बातें हलाकत है, ये है मेरे आखिरी जो मैं समेट लेना चाहता हूं कि आज का पैगाम आपको। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि दो बातें हलाकत है, फैटा ये मार सकते हैं आपको, तबाह कर सकते हैं। एक तो होता है वो तबी मौत, इंसान जू नियरा तो मरा कबरी मन सुतरा ना डाक मौत गौ कि इंसान सन जिंदगी से बेमकसद गसान इन गो मौत का मतलब ही कुछ भी नहीं है। तो इंसान की जिंदगी में दो चीजें बहुत फैटल हैं, बहुत खतरनाक हैं, बल्कि यहां फरमाया गया है कि ये हलाकत है, हलाक कर देती है चीजें। नंबर वन मायूसी और नंबर दो खुद पसंद, तकब्बुर, मैं मुझतगा मैं ये किस तरह, ये दो चीजें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं। एक नंबर वन कभी मत, जिंदगी में कभी मायूस मत होना, गिरते हो फिर उठना है, ठोकर लग जाती है फिर खड़ा होना है, संभलना है, और फिर अपने तमाम जो मामलात हैं वो अल्लाह के हवाले करना है, मायूस नहीं होना है, मायूस हरगिज नहीं होना है। और इंसान जब इंसान के अंदर शैतान घुस जाता है वो उसको भटकाने या भटकने के लिए उसको तैयार करता है, रास्ते से हटाने के लिए उसको तैयार करता है, हटवाता है उसको सही रास्ते से, तो ये भी वो दो दरवाजे हैं जहां से इंसान के अंदर शैतान घुस जाता है। आपके ऊपर मायूसी छा जाएगी, मन से गची न हुई कि मैं देश अंगी नहीं की बहक न हुई कि ही करियतन ये मौकलिया सब खत्म हो गया, नहीं कभी मायूस नहीं, कभी मायूस नहीं। फिर अगर अल्लाह ने आपको कामयाबियों से नवाजा, अल्लाह आपको कामयाबियों से नवाजे इंशाल्लाह नवाजेगा, लेकिन
जब कामयाबी से आपको नवाजेगा तो घमंड नहीं, हरगिज घमंड नहीं, खुद पसंदी मैं हूं ये नहीं। तो ये दो चीजें हैं, ये दो बातें हैं, ये दो नसीहतें हैं जो मैं आपको जाते जाते दूंगा। मुझे उम्मीद है आप अल्लाह का दामन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे, बहुत हम्बल रहेंगे, आपसे बड़े बड़े कारनामे इंशाल्लाह होंगे, फिर भी आप डाउन टू अर्थ हम्बल रहेंगे, घमंडी नहीं, तकबर नहीं, तकबर शाला ताला सिंह सिफत, तकबर शाला ताला सिंह जात शुभान, तकबर शन इंसान शुभान की तकबर नहीं की, खुद पसंदी नहीं की, वही और सुस्त बेचुन कहा मायूस। मे उम्मीद तुम थो मे ऐरी यह नसीहत तहद खुन मे यद कुरान करीम ची यह रोशनी मन तुम ब्रोह कन त्रो तुम्हें ना मायूस, तुम थो अ करो अमल तो इंशाल्लाह रहमान। बहुत क्लास टेंथस बेक लटि शुक्रिया करान कि तुमो कोर ये स्कूल तरान, यह नव मंजिल शाम को लॉन्च किया और ये स्कूल की एक नई तारीख है इंशाल्लाह रहमान। आगे जाके इससे भी जो एजुकेशन के फील्ड में इदारों को मुकाबला होता है इन सब चीज़ों से, वो मुकाबला करने में इंसान को या इदारे चलाने वालों को मदद मिलती है और एक पहचान बनती है। दुनिया के जितने बड़े बड़े इदारे आप देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी या इस तरह से बहुत बड़े इदारे जो भी हैं, हर एक का एक वो जो तारफी ये जो है नगमा होता है, तारफी जो ये नज़म होती है उनके पास होती है। हम इसको बहुत अरसे से मिस कर रहे थे कि हमारे पास भी ऐसा एक होना चाहिए, शुक्र अल्लाह का कि इस साल ये हो पाया है और हमने आज इसको ऑफिशियली लॉन्च किया है। अब आप APHS YouTube चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। अल्लाह ताला फुल रहनो, अल्लाह ताला करनो आबाद, अल्लाह ताला थनो शैतान से शर निशन महफूज, अल्लाह ताला करनो कामयाब और यम स्कूल चीज़न अच्छा दाग बेल कंट्रीब्यूशन युक दु अल्लाह ताला थन अ पोशन, अल्लाह ताला थन इन वाले जनरेशन के यम स्कूल यहाँ यह दु यम कंट्रीब्यूशन यह कर नसीबस रोबन तकबल ना इन नकान। शुक्रिया। जिनकी कावश और मेहनत के नतीजे में ये तकरीब कामयाबी के साथ तकरीब तक पहुंचाए, इसी के साथ साथ मैं तमाम तलबा व तालिबात व हज़रात की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस तकरीब में आए हुए तमाम मेहमान हज़रात का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर यहाँ शिरकत फरमा कर सदरोदय को चार चांद लगाए और आखिर में 10th क्लास के बच्चों के लिए ये शेर लेकर इस तकरीब का इख्तिताम करते हैं। खुदा करे आपकी जिंदगी का हर लम्हा शादमान गुजरे, खुदा करे आपकी जिंदगी का हर लम्हा शादमान गुजरे, जहाँ आप कदम रखें वहीं ज्यादा आपको सलाम करें। शुक्रिया।